गोपी उद्धव संवाद समझा, जहां भगवान ने समझाया कि इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे ऊपर कुछ है तो वो है प्रेम। लेकिन प्रेम भी कैसा? निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रेम में कोई, क्योंकि स्वार्थ की कोई भी चीज, चाहे वो प्रेम है चाहे वो भक्ति है, अगर कोई स्वार्थ है तो वो तभी तक रहेगा जब तक आपका स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता। जिस दिन स्वार्थ पूरा हुआ उस दिन वो प्रेम भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसी प्रीति लंबी नहीं चलती, और जिस प्रीति में केवल प्रीति ही रहती है कि प्रेम ही सब कुछ है, तो जब तक प्रेम है तब तक वो रिश्ता हमेशा रहता है। पर स्वार्थ में तो रिश्ता तभी तक जब तक स्वार्थ है। अब वो स्वार्थ कोई भी हो सकता है, चाहे मानसिक तौर का स्वार्थ हो, शारीरिक रूप से स्वार्थ हो, भावनात्मक रूप से स्वार्थ हो, लेकिन अगर स्वार्थ है तो वो स्वार्थ तक ही टिकेगा। और ये रिश्ता कोई भी हो सकता है। देखिए, प्रेम सुनते ही हमारे दिमाग में लड़का लड़की ही आता है, सिर्फ वो रिश्ता नहीं। तो अगर प्रेम किसी भी रिश्ते में है, कि लड़के लड़की के बीच का रिश्ता है, पति पत्नी के बीच का रिश्ता है, भाई भाई के बीच का रिश्ता है, भाई बहन के बीच का रिश्ता है, माता पिता संतान के बीच का रिश्ता है, दो मित्रों के बीच का रिश्ता है, गुरु शिष्य के बीच का रिश्ता है, लेकिन अगर रिश्ता है तो प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, तभी वो लंबा टिकेगा। और निस्वार्थ प्रेम अगर आप कहीं से सीख सकते हैं तो किससे सीखे? भगवान से, गोपियों से। लेकिन आज अगर सबसे निस्वार्थ प्रेम कोई निभा रहा है तो भगवान हमसे। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो भगवान के पास ना हो? कि आप ऐसा कुछ दे सकते हैं जो भगवान के पास है नहीं? बताइए, कुछ भी नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको हमसे फायदा है। कई लोग कहे कि भक्त होने का फायदा है, वरना भगवान उनको कौन मानेगा। आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा कहती हूं, वहां इलेक्शन नहीं होते। आप मानो नहीं मानो, भगवान तो वही है और हमेशा वही रहेंगे। मानने नहीं मानने से उनको नुकसान फायदा नहीं होता, हमको नुकसान फायदा होता है। उनको कुछ नहीं पड़ी, उनका काम जैसे चल रहा है वैसा चलता रहेगा, दुनिया जैसी चल रही है चलती रहेगी। हमारे मानने ना मानने से उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो ऐसी स्थिति में भी अगर कोई आपसे प्रेम कर रहा है, वो आपका ध्यान रख रहे हैं, तो असली निस्वार्थ प्रेम तो वो निभा रहे हैं। आज मैंने एक बहुत सुंदर बात देखी। कहते हैं ना कि इंटरनेट का जमाना है, दिन भर आप रील्स देखते रहते हैं, पर कुछ अच्छी चीजें भी सीख सकते हैं उससे। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है कि तुम्हें भगवान पर अब तक भरोसा कैसे है? तो दूसरा व्यक्ति जवाब दे रहा है कि मैंने ऐसी कई हरकतें करी है जिसमें मैंने भगवान को पूरा मौका दिया है मुझे छोड़ देने का, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़ नहीं रहा, फिर भी वो मेरा ध्यान रख रहा है, इसलिए मेरा विश्वास उस पर और बढ़ता जा रहा है। हम इतनी गलत हरकतें करते हैं कि भगवान हर हरकत पे हमें छोड़ सकते हैं, कि बिल्कुल बेकार आदमी है ये, बोले फिर भी वो नहीं छोड़ रहा। असली निस्वार्थ प्रेम तो वही निभा रहे हैं। हम तो दिखावा कर रहे हैं या स्वार्थ का प्रेम निभा रहे हैं, काम तक बस।